हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? सो मेरा नाम प्रियांशु गुप्ता है. सो वेलकम टू प्रियांशु वीलॉग्स. सो गाइस, तो सबसे पहले बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस जिसका वीज़ा आ गया है और उन्होंने अपनी पैकिंग कर लिया. अगर आपने मेरी पैकिंग वाली वीडियो नहीं देखी तो ज़रूर देखिएगा. तो आज जो वीडियो का टाइटल है वो बिल्कुल सही है कि बेस्ट एरोप्लेन कौन सा है. ठीक है, लाइक बहुत सारे एरोप्लेन्स हैं, बहुत सारी टिकट्स हैं और आप सस्ती टिकट कहाँ से ले सकते हो, चीप टिकट्स. ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे टाइप्स ऑफ एरोप्लेन्स की. बहुत सारे एरोप्लेन्स होते हैं, कईयों का ले ओवर ज़्यादा होता है. ले ओवर एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे हमें स्टे करना पड़ता है. तो सबसे पहले हमारा आता है ले ओवर. ले ओवर बहुत सारे तरह के होते हैं, लाइक कितने घंटे, मिनिमम 1 घंटे का भी होता है. कई होती हैं डायरेक्ट फ्लाइट्स फ्रॉम इंडिया टू कनाडा, और सेकंड होता है कई घंटों का होता है, कभी 3 घंटों का, कभी 5 घंटों का, कभी कई बार 10 घंटों का भी होता है. तो जितनी ज़्यादा चीप फ्लाइट्स होंगी, कई बार अगर आप लकी हो तो आपको कम ले ओवर का फ्लाइट मिलेगी और चीप भी मिलेगी. तो वो कहाँ से मिलेगी? सबसे पहले एक वेबसाइट है www.skyscanner.com, और आप उसकी एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हो skyscanner.com, स्काई स्कैनर की. जैसे आप एप्लीकेशन इंस्टॉल करोगे, आपको क्या करना है, सिर्फ आपको डेस्टिनेशन डाल देनी है, टोरंटो पियर्सन इंटरनेशनल एयरपोर्ट. कहाँ से? न्यू दिल्ली से. वन वे, नॉट राउंड ट्रिप. राउंड ट्रिप क्या होता है? राउंड ट्रिप मतलब अब जा के वापस भी आना होता है. वो ड्यूरेशन हमने सेलेक्ट करनी होती है कि 1 महीने के अंदर हमने वापस आना है. तो एक बार में 2 टिकट बन जाती है और वो सस्ती पड़ती है. तो हमें तो कनाडा आना है तो हमें सिर्फ वन वे की टिकट लेनी है. तो ट्राई करिए, किया करिए, जब आप टिकट बाय करो खुद करो. क्यों? खुद करने का, बाय करने का ये रीज़न है, आप जब कस्टमर केयर से बात करोगे 3 बैगेज का, आपको 3 बैगेज मिल सकते हैं 23 kgs के. तो वो डिपेंड करता है कौन कौन सी एयरलाइंस दे देती हैं. जैसे जेट एयरवेज, फ्लाई एमिरेट्स. एमिरेट्स तो मुझे 3 बैगेज दे रही थी, बट मेरे पास कोई अकोमोडेशन नहीं थी, कोई रिश्तेदार नहीं था, इसलिए मैं 2 बैगेज ही लाया, क्योंकि कहाँ मैं घूमता फिरता. तो आपको अगर 3 बैगेज चाहिए तो सबसे पहले आपको मतलब खुद से टिकट बुक करनी पड़ेगी. उसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको क्या करना पड़ेगा. सीधा आप जैसी वेबसाइट पे जाओगे, ना कैफ़े से कराइएगा, क्योंकि कैफ़े वाले बीच में बहुत ज़्यादा कमीशन खा लेते हैं और आपको प्रॉब्लम भी हो जाएगी बाद में कि बाई चांस अगर वो कहेंगे कि अगर आपने खुद बुक नहीं की होगी तो आपको एजेंट के थ्रू अपना बैगेज बढ़ाना होगा, तो वो थोड़े पैसे ले लेगा और आपके पैसे बर्बाद होंगे. फिलहाल हम बात करते हैं टिकट की. सो, सबसे पहले अगर आपको एयर टिकट लेनी है, स्काई स्कैनर एप्लीकेशन खोलिएगा और इसमें आपको डिफरेंट एयरलाइंस दिख जाएंगी और एयरलाइंस बताएंगी कि कईयों का 1 स्टॉपेज होता है, कईयों के 2 स्टॉपेज होते हैं, कईयों के 3 स्टॉपेज होते हैं. प्रेफर करिएगा आपका 1 स्टॉप हो, ठीक है, मिनिमम 1 स्टॉप हो, क्योंकि 1 स्टॉप होने से क्या होगा कि आपको थकान भी नहीं होगी. सेकेंड बात आती है ट्रांजिट वीज़ा. क्या होता है ट्रांजिट वीज़ा? वो होता है, कुछ कंट्रीज़ को ट्रांजिट वीज़ा रिक्वायर्ड होता है कि अगर हम वहाँ पे स्टे कर रहे हैं तो हमें ट्रांजिट वीज़ा चाहिए होता है. तो मेरे हिसाब से जैसे हम उतरते हैं USA, ठीक है, USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, भले ही वो कनाडा के साथ में, बट उन्हें ट्रांजिट वीज़ा रिक्वायर्ड होता है फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट. तो ट्रांजिट वीज़ा के अलग चार्जेस होते हैं, $85 to $100, और उसके लिए आपको बहुत सारा दिमाग लगे, मतलब 15 डेज लग जाते हैं ट्रांजिट वीज़ा के लिए. सो ट्रांजिट वीज़ा कोशिश करना कि आप जो ले ओवर है, जो आपका स्टॉपेज है, वो या तो दुबई में हो, ठीक है, या कहीं पेरिस में हो, ये किसी एम्स्टरडैम एक कंट्री है वहाँ पे हो, ठीक है. एम्स्टरडैम से आप टोरंटो आ जाइएगा, टोरंटो पियर्सन एयरपोर्ट पे. सो ट्रांजिट वीज़ा कोशिश करिएगा, जो ट्रांजिट वीज़ा आप ना लें, क्योंकि उसमें बहुत ही ज़्यादा पंगे पड़ते हैं, ठीक है. तो चीप टिकट लेने के लिए सबसे पहले आपको स्काई स्कैनर ऐप खोलना है. स्काई स्कैनर पे आपको लिस्ट ऑफ एयरलाइंस दिखनी है, ठीक है, लिस्ट ऑफ एयरलाइंस में सेलेक्ट करना है, ठीक है. अब उसमें लिखा होता है बैगेज प्रोवाइड कितने करते हैं. बुक करने से पहले आप पूछ सकते हो कस्टमर केयर से, क्या हम मुझे 3 बैगेज प्रोवाइड कर सकते हो. 3 बैगेज कैसे लेने हैं? जैसे कि 3 बैगेज लेने के लिए आपको क्या करना है, आपको
बस उन्हें कहना है कि आम स्टूडेंट इज देयर एनी स्टूडेंट ऑफर अवेलेबल, स्टूडेंट ऑफर है 3 बैगेज के लिए, अगर है तो हाँ वो स्टूडेंट ऑफर के लिए आपको 3 बैग दे देंगे, 3 बैग हो जाएंगे आपके पास, ठीक है। एक कैबिन बैग हो जाएगा, कैबिन बैग वो होता है जो हम लगेज एयरलाइन के अंदर लेके जाते हैं, एरोप्लेन के अंदर जो अपने पास रखते हैं, जैसे मैं लैपटॉप बैग लाया था जिसमें ये मेरा लैपटॉप है, लैपटॉप था तो मैं लैपटॉप बैग ही लेके आया था, बाकी 2 बैगेज लिया, तो टोटल मेरे पास 3 चीज़ें थी, ठीक है। आप कैबिन बैग में जितना वेट ला सकते हो ले आइएगा, क्योंकि वो मैयर नहीं करते हैं, बस कहते हैं कि 7 kg से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बट आपने जो अपना पीठ पे टांगना या अपने बॉडी पे वेट रखना है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। सो एक और चीज़ मैंने भूल गया मुझे बोलनी थी, वो चीज़ है कि जल्दी से जल्दी अपनी टिकट बुक करिए, जितना ज़्यादा आप जल्दी टिकट बुक करोगे उतनी ज़्यादा चीप मिलेगी। मेरे केस में जो मेरी टिकट थी फ्लाई एमिरेट्स की वो थी 43,500 रुपीज़ की, वही टिकट सेम इकोनॉमी क्लास की 3 या 4 दिन बाद 60,000 की हुई, फिर 65,000 की हुई, फिर 70,000 की। अब उस टिकट का रेट चल रहा है, अगर आप लेटेस्ट 24th या 25th अप्रैल की सर्च करोगे तो उसका रेट है 1,07,000 रुपीज़। तो जैसे ही आपका वीज़ा आता है आप टिकट लें, जल्दी से जल्दी टिकट लें, क्योंकि टिकट अगर आपने लेट कर दी आपके 5,000 to 10,000 का लॉस भी हो सकता है, तो आपका प्रॉफिट भी हो सकता है अगर आपने जल्दी टिकट ले ली है, ठीक है। तो बात हो गई है ये टिकट की, कैसे आपने टिकट लेनी है, कहाँ से लेनी है, क्या करना है बैगेज के लिए, और ये सारी इन्फॉर्मेशन थी। तो अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करिएगा, मेरी यूट्यूब वीडियो को लाइक करिएगा, बाकी चीज़ें मैं आपको बताता रहूँगा धीरे धीरे जितना एक्सपीरियंस करता रहूँगा यहाँ के इन्वायरमेंट को। फ़िलहाल मुझे 7 days ही हुए हैं आए, तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि मेरा कोई रिलेटिव तो था नहीं यहाँ पे, मेरी फ्रेंड थी दिलप्रीत, तो उनके घर में ही रह रहा हूँ मैं। तो फिर मेरा जो कॉलेज है वो कॉर्नेस्टोगा कॉलेज है, उसका भी जल्दी वीलॉग आएगा, ठीक है, कॉर्नेस्टोगा कॉलेज डून कैंपस। तो अगली मैं जो वीडियो बनाऊँगा जी बेस्ट बैंक कौन सी है, ठीक है। सो गाइस बने रहिएगा और कमेंट करिएगा कैसे लगी आपको वीडियो। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।